हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम टेंजेंट की डेफिनेशन को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे एक ऐसी लाइन जो कि एक सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उसे टेंजेंट कहा जाता है और जिस पॉइंट पर वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है टेंजेंट एंड सर्कल का मीन्स वहाँ उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है इसी तरह से सिकेंट जो है अ लाइन अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सिकेंट तो जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उसे सिकेंट कहते हैं अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रा किए जा सकते हैं अगर कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो आउटसाइड द सर्कल हो ऑन द सर्कल हो क्योंकि एक प्लेन सरफेस पर जो पॉइंट रहता है ये पॉइंट है तो पॉइंट या तो सर्कल अगर सर्कल बना हुआ है उस प्लेन सरफेस पर या तो पॉइंट फिर अंदर होगा या बाहर होगा या फिर ऑन द सर्कल होगा तो व्हेन पी लाइज इनसाइड द सर्कल जब पी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता हो तो लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स तो जो लाइन पी में से पास होगी वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी तो इस सिचुएशन में कोई भी आप टेंजेंट इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो इस सर्कल में आप अब कोई भी ट्रेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो ये क्या बनेगा तब ए पी बी लाइन जो है ये सीकेंट बन जाएगी सीकेंट बन जाएगी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोर्ट कांट एक्सीड द डायमीटर ऑफ द सर्कल तो लॉन्गेस्ट कोर्ट जो है वो डायमीटर से एक्सीड नहीं कर सकती है तो इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है वेन पी लाइज ऑन द सर्कल जब पॉइंट पी सर्कल के ऊपर लाई करता हो तो तो अब हम यहाँ पर कई लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं एक जो पॉइंट पी को बिल्कुल टच करते हुए यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है जिसको लाइन एल कहा गया है तो लाइन एल जो है वो इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है एक ही पॉइंट पर देयर इज एग्जैक्टली वन लाइन विच इज़ टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी तो इस तरह से ये पी पॉइंट में से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है जो कि टेंजेंट बनेगी और पी पॉइंट में से बाकी जो लाइंस पास होंगी इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं इस पी पॉइंट में से लेकिन उनमें से कोई भी लाइन जो है वो इस सर्कल पर टेंजेंट नहीं बना पाएगी केवल एक लाइन जो इस पॉइंट में से पास होगी जो कि सर्कल के एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी वही इसका टेंजेंट सर्कल का टेंजेंट बना पाएगी तो इस तरह से अगर पी पॉइंट ऑन द सर्कल हो तो केवल एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है इसके बाद है व्हेन पी लाइज आउटसाइड द सर्कल जब पी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो तो यहाँ पर दो ही टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं सर्कल पर अगर पी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो दीज दे दीज आर एग्जैक्टली टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू द पॉइंट पी विच आर टेंजेंट टू द सर्कल द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ वन इज़ क्यू एंड अदर इज़ क्यू डैश तो इस आउटसाइड पॉइंट P को जो एक्सटीरियर में है सर्कल के एक्सटीरियर में यहाँ से हम दो ही टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे बाकी जो लाइंस P में से P में से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं लेकिन उनमें से केवल दो ही लाइंस जो हैं वो सर्कल पर टेंजेंट बना पाएंगी तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं अलग अलग कंडीशन में तो अगर तो पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल हो अगर पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल हो तो इसमें कोई भी टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर पाएंगे नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल अगर पॉइंट पी ऑन द सर्कल हो तो यहाँ पर आप एक ही टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे ओनली वन टेंजेंट इसी तरह से अगर पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल हो पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल हो तो यहाँ पर आप दो टेंजेंट्स ड्रा कर पाएंगे दो के अलावा और टेंजेंट्स आप इसमें ड्रा नहीं कर पाएंगे